एक लड़का अगर उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड बनी तो उसमें खामियां निकाल कर उससे वो ब्रेकअप कर लेता था, पर फिर उसके फ्रेंड्स की शादी होने लग गई, उसे अपनी लाइफ के बारे में टेंशन आने लग जाता है, तभी उसकी फ्रेंड ही उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। क्या इस रिलेशनशिप को निभा पाएगा ये हम आज की हमारी मूवी प्लस वन 2019 की एक हॉलीवुड रोमांटिक मूवी हम देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और अलग अलग वेडिंग में लोग जो स्पीच देते हैं वो हम देख सकते हैं। ऐसे एक स्पीच के लिए हमारा मेन कैरेक्टर बेन रेडी हो रहा था। एक्चुअली उसके बेस्ट फ्रेंड की आज शादी थी। स्पीच को सुनने के लिए उसकी फ्रेंड एलिस उसे हेल्प कर रही थी। बेन अपने फ्रेंड और उसकी बचपन की स्टोरी सुनाने वाला था कि किस तरीके से हर एक चीज वो साथ में करते थे, किस तरीके से आज उसके फ्रेंड की शादी होने के बाद उसे दूर चला जाएगा। ये सब सुनने के बाद एलिस ने उसे कहा कि लोग इसे बोर हो जाएंगे, तुम वेडिंग में बेस्ट मैन हो तो तुम्हारी स्पीच फनी होनी चाहिए, लोग इसे याद रखेंगे। बेन को तो पहले सही नहीं लगता, पर स्पीच के वक्त उसने फनी सी स्पीच दी, सब लोगों को ये बहुत पसंद आई। एलिस उसका मजाक उड़ाती है कि तुमने मेरी स्पीच चुरा ली थी। एलिस आज बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है क्योंकि अभी अभी उसके बॉयफ्रेंड नेट ने उसके साथ ब्रेकअप किया था। ब्राइड को उसके ब्रेकअप के बारे में पता था और वो भी इसके बारे में उसे बात कर रही थी। नेट इस मैरिज में उसके कॉलेज की फ्रेंड से मिलने के लिए एक्साइटेड था। जब वो कॉलेज में थे तो उनकी बात कुछ आगे बढ़ने वाली थी, तब कुछ भी हुआ नहीं था। आज जब उसे मिलता है तो दोनों बहुत ही अच्छे से बातें करते हैं। एलिस बहुत ड्रंक थी तो उनके बीच में आकर उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, पर बेन उस पर ध्यान नहीं देता। एक स्लो म्यूजिक चला तो बेन और जे से दोनों डांस करने लगते हैं। इसके बाद दोनों बाहर आए। जेस वहां से जा रही थी तो बेन उसे बाहर तक छोड़ने के लिए आता है। उन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर बहुत अच्छा लगा था। बेन बात करने लग गया किस तरीके से सिंगल लोगों को शादी में अलग टेबल दिया जाता है। जेस ने कहा कि तुम तो बहुत हैंडसम हो, जल्दी तुम्हें कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी। बेन को ये जेस की तरफ से सिग्नल लगा और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा। जेस उसे झटक देती है, कहती कि अभी अभी मैं एंगेज्ड हो चुकी हूँ। बेन ने उसकी रिंग देखी नहीं थी, ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, तो बेन वहां से चला गया। वो अपने होटल रूम में वापस आ गया। एलिस ने पहले उसका की कार्ड चुरा लिया था तो उसी के पास वो बैठी हुई थी। बेन की बात नहीं बनी और एलिस भी रोने लग जाती है। कहती कि सब लोगों को अभी के अभी क्यों मैरिज करना है, कहती कि सब लोगों को अभी के अभी क्यों मैरिज करना है। ब्रेकअप की वजह से उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इस साल में उसे और 4 वेडिंग्स करने थे, बेन को और 5 वेडिंग्स करने थे। सिंगल होकर वेडिंग में जाना उनके लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड था। वो बेन से पूछती है कि क्या नेक्स्ट वेडिंग में तुम मेरे साथ चलोगे। बेन इसके लिए मना करता है। एलिस ने उसे कहा कि वहां पर बहुत सारी सिंगल लड़कियां हो सकती है, तुम्हारी बात बन जाएगी। इस बात की वजह से बेन उसके साथ आने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन बेन ने एलिस को घर पर छोड़ दिया। वो कांच पर सोई हुई थी तो कांच को नीचे कर उसे उठा देता है। घर जाने के बाद अपने अपने रूटीन में वो लग जाते हैं, खुद का खाना बनाते हैं, अकेले रहते हैं, रात में टीवी शो देखते देखते सो जाते हैं। बेन अपने फ्रेंड को कॉल कर हैंगआउट करने के लिए बुलाता है। फ्रेंड कहता है कि अब मैं रिलेशनशिप में हूँ तो उसके साथ वो हैंगआउट नहीं कर सकता। वो फिर अपने फादर को कॉल लगाता है और कल वो गोल्फ खेलने के लिए जाने वाले थे। वो जब फादर के घर पर गया तो वहां पर उनकी गर्लफ्रेंड थी। आजकल वो बहुत ज्यादा फादर के साथ रहने लग गई है। वो फादर से पूछता है कि तुम दोनों में चल क्या रहा है। फादर ने कहा कि मैं उसके साथ शादी करने वाला हूँ, अभी अभी मैंने उसे प्रपोज किया था, आज इसी के बारे में मुझे तुमसे बात करनी थी। नेट कहता है कि आपका ऑलरेडी 2 बार डिवोर्स हो चुका है, 3rd बार शादी करना है सही नहीं होगा। फादर चाहते थे कि बेन उनकी गर्लफ्रेंड से मिले और उसे जान ले। बेन कहता है कि इस वीकेंड में मैं एलिस के साथ मैरिज के लिए जा रहा हूँ, शायद बाद में कभी उसे मिल लेगा। अब हम उसी वेडिंग को देखते हैं। बहुत ज्यादा बारिश चल रही थी और सब लोग घर आ रहे थे। बेन एलिस से कहता कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम अपनी फ्रेंड से मुझे मिलवाओगी, पर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। बुरी वेडिंग में किसी भी लड़की के साथ मेरा कुछ भी रोमांटिक सा मूवमेंट हुआ नहीं। एलिस कहती कि ये क्या होता है। बेन कहता है कि जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि आप बुक स्टोर में गए और वहां पर किसी से मिले और उसी के साथ पूरी जिंदगी बिताते हो। एलिस इन सब चीजों पर थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करती थी, पर उसे पूछती है कि वो मेरी फ्रेंड है, क्या तुम्हें अच्छी लगती है। बेन को अच्छी लगी थी। एलिस ने डायरेक्टली अपनी फ्रेंड पर उसे पुश कर दिया। उसका मजाक लेती है कि तुम दोनों में मुझे कनेक्शन फील हो रहा है। होटल में आने के बाद एलिस ने बेन से कहा कि हम ये चीज कंटिन्यू कर सकते हैं, हम दोनों साथ में वेडिंग्स में जाएंगे ताकि हमें अकेला फील ना हो। बेन पहले वेडिंग्स को हेट करता था तो आइडिया उसे अच्छा नहीं लगता। उनके रूम में उन्हें एक ही बेड मिला था तो बेन कहता है कि ये भी चीज मैं हेट करता हूँ, अगर इतने सारे वेडिंग्स में हम जाएंगे तो एक ही बेड पर हम नहीं सो सकते। सोते वक्त वो बेन के साथ कडल करना चाहती थी। बेन कहता है कि अगर मैं तुमसे अट्रैक्टेड हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर मैं तुमसे अट्रैक्टेड फील नहीं करता तुम्हें और भी ज्यादा बुरा लगेगा। एलिस कहती कि हर एक चीज को तुम इतना सोचते क्यों, वही फिर उसे हक कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेन ने एलिस का प्रपोजल मान लिया था। वो दोनों मिलकर अलग अलग वेडिंग्स में जाने वाले थे।
नेक्स्ट वेडिंग में वो पहुंच जाते हैं। बेड ने ऐसा होटल रूम लिया जहां पर दो बेड सो। नेक्स्ट सीन में एलिस पूल के पास बैठी हुई थी और बेन स्विमिंग पूल में था। एक छोटा लड़का बेन के साथ खेलने लग जाता है। एलिस उस लड़के की मदर से बात करने लग गई। उस मदर को लगता है कि एलिस बेन को डेट कर रही है। एलिस ने कहा कि मैं सिर्फ उसके साथ वेडिंग पर आई हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वहां पर उस मदर की फ्रेंड थी जो बेन में इंटरेस्टेड थी। उस लड़की को बेन अच्छा लगता है। वेडिंग जब चल रही थी तो एलिस को वॉशरूम जाना था। जाते जाते वो बेन को उस लड़की से इंट्रोड्यूस कर जाती है। रात में सब लोग वेडिंग का सेलिब्रेशन करते हैं। एलिस को एक लड़का पसंद आता है और उसके साथ वो फ्लर्ट करने लग गए। पैरेलल में बेन और वो लड़की भी बात कर रहे थे। वो एक दूसरे को लाइक करने लग गए तो बेन उसे किस करता है। अगली सुबह एलिस ने बेन को उस लड़की के बारे में पूछा। बेन ने कहा कि वो ठीक ठाक थी। एलिस कहती कि शायद उसमें भी तुमने कुछ प्रॉब्लम्स निकाल ली। बेन कहता है कि उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इमेजिन नहीं कर पा रहा। एलिस उसे कहती कि तुम उसे उतना ज्यादा अच्छे जानते नहीं तो उसके बारे में कह नहीं सकते। बेन कहता है कि मैं सिर्फ एक राइट पर्सन को ढूंढना चाहता हूँ। एलिस को यह बात बहुत ज्यादा स्टूपिड लगती थी। बेन कहता है कि तुम भी तो अब भी नेट के बारे में बात करती रहती हो, उसी के बारे में सोचकर रोती रहती हो। इस बात का बेन ने भी बहुत मजाक उड़ाया। इसके बाद हम और एक वेडिंग देखते हैं। जिस तरीके से लोग वेडिंग में बिहेव करते हैं, इस बात का दोनों बहुत मजाक उड़ा रहे थे। रात में डांस करते वक्त एलिस बेन के लिए लड़कियां ढूंढ रही थी। बेन उसे कहता है कि लास्ट टाइम की तरह फिर से मुझे उस पर पुश मत कर देना। वेडिंग में बेन के फादर भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर आए हुए थे। एलिस से पूछते कि तुम दोनों मिले कैसे थे। एलिस कहती कि हम दोनों कॉलेज में रूममेट थे। बेन को मेरी फ्रेंड पसंद आई थी, इसी वजह से वो मेरा फ्रेंड बना था। फादर को एलिस बहुत पसंद आती है और अपने वेडिंग के लिए उसे वो इन्वाइट करते हैं। फादर ने बेन से बात की अपनी शादी में उसे बेस्ट मैन बनने के लिए कहा। बेन इसके लिए पहले तो मना करता है पर बाद में इस पर वो सोचने वाला था। एलिस की एक फ्रेंड आकर उसे मिलती है। उसे पता नहीं था कि नेट का और एलिस का ब्रेकअप हो चुका है। उसे कहती कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। इस बात की वजह से एलिस को बहुत बुरा लगता है। रात में सब लोग स्विमिंग करने के लिए पूल में चले गए। वहां पर वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाते हैं। एलिस कहती कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें बेस्ट मैन बनने के लिए कहा, इसके बारे में तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। बेन कहता है कि ये सब मुझे बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगता है, इसके बारे में बात करना बहुत ही अनकंफर्टेबल है। फादर ने मदर के साथ डिवोर्स कर हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया। अब वो फिर से शादी कर सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ये सब बातें उसे अच्छी नहीं लगती। एलिस कहती कि मेरे मदर और फादर अभी एक साथ है पर एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा हेट करते हैं। कभी भी वो अच्छे से एक साथ बैठ नहीं सकते। एटलीस्ट तुम्हारे पेरेंट्स एक दूसरे से दूर होकर खुशी ढूंढना चाहते हैं, एक बहुत ही अच्छी बात है। बेन को एलिस के लिए बुरा लगता है और उसे हग कर लेता है। वो दोनों बहुत देर तक बातें कर रहे थे और स्विमिंग पूल में कोई भी नहीं था। उनकी होटल तक की राइड वहां से चली गई थी। वो दोनों फिर वॉक करते हुए घर आ रहे थे। एलिस को फूलों का शौक देखता है, उसे फूल बहुत पसंद है। बेन कहता है कि मुझे फूलों का कंसेप्ट ही अच्छा नहीं लगता, वो बहुत ही जल्द मुरझा जाते हैं, तो उन्हें बाय करने का फायदा क्या है। एलिस कहती है कि जब आपको कोई फूल देता है तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, ये फीलिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। होटल से जाने का शॉर्टकट सेमेटरी से गुजर रहा था। एलिस घोस्ट पर बिलीव करती थी, कहती है कि हमें हमारा नाक बंद कर वहां से भागना चाहिए। वो दोनों भागते भागते एलिस नीचे गिर जाती है। बेन उसे उठाने के लिए आया। दोनों करीब आ गए और फिर वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने पर वो घर के लिए निकल पड़े। कल रात की वजह से उन दोनों में कुछ ऑकवर्डनेस था, वे इसके बारे में वो बात नहीं करते। वो घर पर पहुंचे तो बेन ने खुद गाड़ी से उसका बैग निकाल दिया। ऐसा वो कभी भी करता नहीं था। एलिस ये सब ऑकवर्डनेस समझ कर उसे कहती है कि कल रात की बात हमसे सिर्फ एक मिस्टेक होगी, ऐसा समझ कर हम भूल जाएंगे। बेन भी इस बात से एग्री करता है। इसके बाद एक वेडिंग के लिए बेन अकेला गया। थोड़ी देर में एलिस वहां पर पहुंच जाती है। उसने कहा कि उस रात के बाद हमने बात ही नहीं की थी। वो दोनों एक ही रूम बुक करते हैं। बेन ने उनके रूम में ऑलरेडी शैंपेन रखी हुई थी। इसके बाद वो दोनों अपने फ्रेंड से बात करने के लिए गए। फ्रेंड समझ जाते हैं कि एलिस और बेन के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। एलिस बेन से पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। बेन ने कहा कि मेरे फादर की वेडिंग में क्या मुझे बेस्ट मैन बनना चाहिए। एलिस उसे कहती है कि तुम्हारे फादर को तुम्हें हाँ कह देना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेन उसे कहता है कि उस रात के बारे में मैं सोच रहा था, उनमें जो भी हुआ था ये बेन को अच्छा लगा था। एलिस भी कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब वो एक कपल बन चुके थे। अगली सुबह बेन उसे कहता है इस बार हम एक दो दिन ज्यादा रह सकते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके। यह आइडिया एलिस को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वो दोनों मिलकर वेडिंग को एंजॉय करते हैं। उन्होंने अपनी एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप स्टार्ट की, अपने मोमेंट्स को एंजॉय किया। इसके बाद कुछ टाइम गुजर चुका था और हम और एक वेडिंग देखते हैं। इस बार ये वेडिंग एलिस की सिस्टर की थी। एलिस की मदर बेन से बात कर रही थी कितने सालों तक तुम एक दूसरे के साथ हो, तुम तो एलिस से बहुत पहले से प्यार करते होंगे।
बेन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अभी अभी उनकी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है, पर एलिस के पेरेंट्स को लग रहा था कि वो बहुत सालों से रिलेशनशिप में है। इन सब से एलिस बेन को बचा लेती है। इसके बाद वो रात में एक साथ थे। एलिस के फोन पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड नेट का मैसेज आता है। इस बात से बेन जरा अपसेट हो गया। वो एलिस से इसके बारे में कहता है, पर एलिस नेट को रिप्लाई नहीं देने वाली थी। वह थी कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और यही मेरे लिए इनफ है। उसके साथ आज रात इंटीमेट होना चाहती थी, पर बेन का मूड चला गया था। अगली सुबह एलिस के फादर के साथ मिलकर बेन कुछ फोटोग्राफ्स लगा रहा था। इन फोटोग्राफ में एलिस और नेट की भी एक फोटोग्राफ थी। फादर इसके लिए उसे सॉरी कहते हैं। सब लोग जिस तरीके से नेट को प्रेशराइज कर रहे थे, इसके लिए एलिस ने उसे सॉरी कहा। नेट कहता है कि ये सब चीजें ठीक है। इसके बाद और कुछ टाइम गुजर गया। उनके और एक फ्रेंड की शादी थी। बेन चाहता था कि वो अपने फ्रेंड्स को खुद अपने हाथों से गिफ्ट दे। वैसे सब लोग अपने गिफ्ट्स कुरियर कर देते थे। बेन जब खुद लोगों को गिफ्ट देता है तो उनके फेस की स्माइल देखना उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वेडिंग में जाने के लिए वो जरा लेट हो जाते हैं। एलिस को याद आया कि वो गिफ्ट लाना भूल गई थी। उसने अपने ही घर पर वो रखा हुआ था। ऑलरेडी वो लेट हो चुके थे, तो एलिस के घर पर जाकर फिर गिफ्ट लाना ये इम्पॉसिबल था। इस बात की वजह से बेन एलिस को बहुत बोलता है। एलिस ने कहा कि उन लोगों की शादी हो रही है, तुम्हारे गिफ्ट की वजह से उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसे बैड फील करा रहा था तो इसके बारे में उसे बता देती है। बेन इस सब्जेक्ट को छोड़ नहीं पाता। उन्होंने जाकर अपने फ्रेंड्स को कॉन्ग्रेचुलेशन किया। एलिस मजाक करती है कि मैंने आपके लिए गिफ्ट लाया था, पर बेन ही उसे भूल गया। बेन इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहां पर एक जगह पर हेड्स वगैरह लगाकर फोटो ली जा रही थी और एक वेडिंग में उन्हें इन्वाइट किया गया था। एलिस इसके बारे में बेन से पूछती है तो बेन ने कहा कि वहां पर मैं नहीं आने वाला। एलिस कहती है कि वहां पर मैं अकेली नहीं जा सकती, तुम्हारा मूड खराब है इसी वजह से तुम मुझे मना कर रहे हो। इस बात पर बेन बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उस पर चिल्ला पड़ता है। सब लोग उन्हें देखने लग गए थे। इसके बाद वो वहां से चला गया और नीचे एलिस का वेट करने लग गया। एलिस नीचे आकर उसे कहती है कि तुम इतने टाइम तक यहाँ पर कर क्या रहे थे। बेन कहता है कि कुछ चीजों को लेकर मैं सोच रहा था। एलिस इसके बारे में उसे पूछती है, पर बेन बता नहीं रहा था। उसके प्रेशराइज करने पर बेन ने कहा कि मैं हमारे बारे में सोच रहा था, हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे और अचानक से रिलेशनशिप में आ गए, ये उसे बहुत ही फास्ट लग रहा था। एलिस कहती कि ये सब चीजें मेरे लिए भी अलग थी, पर स्लोली स्लोली मुझे तुम्हारी आदत हो गई। बेन कहता है कि मुझे हमारे बारे में कुछ डाउट्स हो रहे थे। एलिस ये बात समझ सकती थी, पर बेन ने कहा कि जब मैं कुछ अलग कपल्स को देखता हूँ तो हमारी तरह झगड़ते नहीं, उन लोगों में बहुत प्यार होता है, वैसे हम दोनों नहीं है। एलिस कहती कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बेन उसे आई लव यू नहीं कह पाता। एलिस ने उसे कहा कि मैं तुमसे अभी के अभी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही, तुम्हें क्या चाहिए इसके बारे में मुझे बताना चाहिए। बेन कहता है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की तरह मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, अगर हमारी रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकती तो हमें यहीं पर उसे एंड कर देना चाहिए। एलिस को इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगा था और वहां से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते। बेन दूसरे मैरिजेस में अकेला ही जाता है। एक शादी में वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गया और उस लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर बहुत ही अजीब लग रहा था। ये शादी उसके फ्रेंड की थी तो उसे बाहर लेकर जाता है। फ्रेंड ने कहा कि तुम बहुत अजीब लग रहे हो, तुम एलिस के साथ थे तो उसका क्या हुआ। बेन ने कहा कि जिस तरीके से तुम अपनी वाइफ से प्यार करते हो, मैं उस तरीके से उसे प्यार नहीं कर सकता था, इसी वजह से हमने ब्रेकअप कर लिया। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम ये सब समझ कैसे सकते हो कि मेरे और मेरी वाइफ की रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट है। क्या तुम हमेशा हमारे घर में कैमरेज लगा कर रखते हो। हर एक रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, एक परफेक्ट प्यार कभी भी तुम्हें मिलता नहीं। बेन कहता है कि फिर शादी वगैरह करने का पॉइंट ही क्या रहता है। उसके फ्रेंड ने उसे कहा किसी से आई लव यू कहना है बहुत ही अच्छा लगता है, जब वो पर्सन फिर से तुम्हें आई लव यू कहता है तो ये फीलिंग बहुत ही अच्छी होती है। ये शादी वगैरह ये सब इवेंट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसके बिना जिंदगी वर्थ इट नहीं है। तुम हमेशा अलग अलग ऑप्शन चूज करते रहते हो, आइसक्रीम शॉप में जाकर तुम्हें हर एक फ्लेवर को चूज करना है जो सही नहीं होता, वैसे पर्सन को कोई भी लाइक नहीं करता। इस बात पर बेन ने बहुत सोचा। वो रियलाइज करता है कि एलिस के साथ उसकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट वेडिंग में उसके लिए फ्लावर्स बाय करता है। जब एलिस वहां पर आई तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ वहां पर आई थी। एलिस ने पूछा कि फ्लावर्स किसके लिए है। बेन ऑकवर्ड हो जाता है और किसी और को फ्लावर्स दे देता है। बाद में अकेले में उसने एलिस से बात की, उसे कहता है कि वो फ्लावर्स तुम्हारे लिए थे। एलिस कहती कि अब मैं तुम्हारी स्पीच हैंडल नहीं कर सकती। बेन ने कहा कि मैं तुमसे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, पर तुम सही थी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं तुम्हारे बिना भी वेडिंग्स में गया था और वहां पर मुझे बहुत ज्यादा बोर हुआ। एलिस कहती कि तुम सिर्फ अकेला महसूस कर रहे थे। बेन कहता है कि ऐसा नहीं है, जब तुम मेरे साथ होती हो तो हम दोनों मिलकर लोगों का मजाक उड़ाते हैं,
एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। मैंने जिस तरीके से तुम्हें हर्ट किया ये तुम कभी भी डिजर्व नहीं करती थी, उसे आई लव यू कहता है। एलिस का एक्स बॉयफ्रेंड वहां पर आ गया, उसे बेन से दूर लेकर गया। इसके बाद जब बेन घर पर आ रहा था तो उसे उसके फादर का कॉल आता है। फादर अपने बैचलर पार्टी में ड्रंक हो गए थे। बेन ने सब लोगों को घर छोड़ दिया। फादर कहते कि तुम हमेशा से बेस्ट हो, तुम्हें मेरा बेस्ट मैन बनना चाहिए। बेन फादर से कहता है कि आपने मदर के साथ डिवोर्स लिया, उसके बाद मैं रिलेशनशिप्स पर बिलीव नहीं कर पाया, मैं हमेशा एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढता रहा और फाइनली मैं अकेला पड़ गया और आपकी शादी हो रही है। फादर कहते कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम अकेले नहीं पढ़ सकते। बेन को बात बहुत अच्छी लगी और अपने फादर की वेडिंग में बेस्ट मैन बनना मान जाता है। उसने वेडिंग में स्पीच दी कि जब आप परफेक्ट को ढूंढने के लिए निकलते हो तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगता, अगर आप किसी को पसंद करते हो और उनके साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है तो उन्हें अपने पास ही रखना चाहिए। ये जब वो स्पीच रेडी कर रहा था तो उसके पास एलिस भी थी। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस रात जब वो घर पर आया तो एलिस उसका वेट कर रही थी। वो भी बहन से दूर नहीं रह सकती थी। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, उसने भी उसे माफ कर दिया था। अब फाइनली वो साथ में एक दूसरे के साथ वेडिंग एंजॉय करते हैं। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का मैसेज और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।